अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है एक प्लान पे, 20 मरने का प्लान है, 60 क्रॉस 90 का। प्लान है मेरे पास और ये तकरीबन 20 मरले बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी मैं जो आउटर वॉल है, बाउंड्री वॉल जिसे हम कहेंगे, उसे मैं फील कर देता हूँ। तो मैंने सारा नॉमिनेट कर दिया है, आउटर वॉल, बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि विंडोज और जो वेंटिलेटर है उन्हें शो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में भी। तो ये हमारे पास एक बड़ी विंडो है सिटिंग एरिया की, तकरीबन 10 फीट की है, और एक विंडो ये हो गई। ठीक है, तो विंडोज और वेंटिलेटर शो हो गए हैं। तो आपको बताता जाऊँ कि ये हमारे पास एक सीटिंग एरिया है और जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 14 है और विड्थ हमारे पास 15 फीट एंड 6 इंच है। ये हमारे पास एक मास्टर बेडरूम है 17x14 का, और ये हमारे पास 17x14 का मास्टर बेडरूम है, और ये उसका डोर है, ये इसका डोर है। जो D1 जहाँ पे लिखा हुआ है वह 3 फीट एंड 6 इंच के हैं, जहाँ पर D2 लिखा हुआ है वो तकरीबन 2.5 फीट के हैं सारे बाथरूम के। ठीक है, ये भी एक बात है, 7 फीट एंड 11 इंच बाय 6 फीट का ये इसके साथ अटैच है, और ये इसके साथ अटैच है, और ये हमारे पास लाउंज है। ठीक है, और ये किचन है हमारे पास 12x12 का, और यहाँ से ये ओपन है, इसका डोर नहीं है, किचन को ओपन है ये। आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी जो है आप अरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डाइनिंग टेबल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, टेबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये हमारे पास स्टेयर हॉल है जिसके साथ एक छोटा सा दरवाज़ा भी दिया गया है इस पैसेज की तरफ निकलने के लिए। और ये इस पैसेज की जो विड्थ है वो 3 फीट है ईच साइड, 3 फीट, इसकी भी 3 फीट ईच साइड है। और ये हमारे पास मेन एंट्रेंस हो गई 8 फीट की। ठीक है, ये एक रूम है 13x12 का, आप इसे एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ ड्रेसिंग भी दी गई है और बाथरूम भी अवेलेबल है विद अटैच। और ये भी एक मास्टर रूम है हमारे पास 17x14 का, इसके साथ भी अटैच बाथ है, काफ़ी बड़ा बाथ है 12x8 का, इसके साथ भी अटैच है। या आप इसे गेस्ट रूम ड्राइंग रूम बना सकते हो, या इसे वो आप पे है, ये भी एक मास्टर बेडरूम है। ठीक है, तो इस जो पूरा प्लान है 60x90 का, इसमें 5 रूम दिए गए हैं, और हर बाथरूम, मतलब हर रूम के साथ बाथरूम अटैच है, और टीवी लॉन्च भी दिया गया है, किचन भी बड़ा दिया गया है, और साथ में एक पोर्च है जिसकी जो विड्थ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो 23 फीट एंड 3 इंच इस तरफ है, और इस तरफ जो है हमारी 15 फीट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन जो दी गई है वो 15 फीट है। 2 गाड़ियाँ आराम से आपकी ठहर सकते हैं, 3 भी ठहर जाएंगी अगर एक छोटी हो तो आराम से ठहर सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 15 फीट का ये मेन है, और 3 फीट एंड 6 इंच का आपके पास ये, और ये आपका जो तकरीबन यहाँ पे ये लॉन बच रहा है, गार्डन एरिया। ठीक है, और इस तरफ जो है आपका नॉर्थ है, नॉर्थ आपका इस तरफ है। आपकी जो लेबर कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, तो उस हिसाब से 60x91.35 लाख ये हमारी कॉस्ट बनती है, टोटल कॉस्ट। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।